जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा बाढ़ से बचाव कार्य का निरीक्षण हुआ, जिसमें एनडीआरएफ टीम ने उस पार से लोगों को निकाला और राप्ती में डूबे एक बच्चे को निकालकर एम्बुलेंस से चिकित्सालय में उपचार हेतु भेजा गया। मौके पर मेडिकल टीम ने उपचार भी किया। जिला पुलिस अधीक्षक और सीएमओ बलरामपुर व एडिशनल एसपी ने बोटिंग में बैठकर राप्ती के किनारे के बांधों का निरीक्षण भी किया। इस पर मौजूद रहे बाढ़ आपदा राहत टीम ने जैकेट, फोन, हेलमेट, वाटर कंटेनर, फॉगिंग मशीन, ब्लीचिंग पाउडर, कूड़ा उठाने वाला ठेला, नगर निगम की बसें वहां पर उपस्थित थी। वहां पर उपस्थित गढ़ जिला पंचायत अधिकारी एवं आशा सी अधिकारी, नगर पालिका तहसीलदार, सदर व लेखपाल, सदर व सिसई प्रधान प्रतिनिधि व देहात कोतवाली पुलिस दल के साथ थाना अध्यक्ष मौजूद थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।